हमें आगाह न किए। जितने भी जिंदगी से मजबूत लोगों ने वो इस्लाम में बयान कर दिए, अगर नहीं किए तो मुकम्मल जाता यार वो नहीं सकता। हमारा अकीदा ईमान क्या है? मुकम्मल जाता ईमान। मुकम्मल जाता ईमान जो है, अब मेरा आप तमाम साथियों से ये सवाल है, हमने कभी कुरान की तरफ रुजू किया है कि भाई इन मामला में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है? उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने दोस्ती करने दुश्मनी करने रिस्क अल्लाह की तलाश में जाने इन तमाम चीजों के हवाले से कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है? हम ये सब सोच रहे हैं, हम ये सीखियो की कभी इसके लिए वक्त निकालना। लेकिन नेजा पे दिया
छुड़ा दिया कि हम कभी कुरान से जुदा, चाहे दुनिया पूरी कोशिश करे हमारी शहर के आयात को काट दे, हमारे सर को हमारे धन से जुदा कर दे, दुनिया में कुरान से जुदा कोई नहीं कर सकता। अगर आप और मैं जब कोई भी बेहतरीन दुनिया चाहता है, बेहतरीन आखिरत चाहता है, कुरान के साथ मुतमस्सिक हो गया, अहले बैत के साथ मुतमस्सिक हो गया। ये कुरान मैंने पहली बात आपको आज की, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में शैतान नहीं आता, बगैर उसी पे कर देती है रहमत इज्जत नाजिल होना शुरू हो जाती है। कभी इसी इन बात से ही कुरान की घर की तिलावत शुरू की जाए, अगर हम कुरान की तिलावत घरों में शुरू नहीं करेंगे मुतमईन रहे फसाद मुसीबत बदाव से छुटकारा नहीं मिलेगा। और कुरान की असमत कितना है, रिवायत में जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है वो कहते आसमान के लिए उसी तरह चमकते हैं जिस तरह अहले जमीन के लिए आसमान पे सितारे चमकते हैं। वो घर अहले आसमान को नूरानी नजर आते हैं और पूछे जाते हैं ये घर कैसे नूरानी है, कहा जाता है इनमें कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत के जो फवायद है आज उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा जहन कर ले कितना है, आज जो स्वभाव कितना है उसका मैं इत्मीनान से कह रहा हूं आपको, किसी की ताकत नहीं है हिसाब लगाना, किसी की ताकत नहीं। कितनी जगह है, कितने अफराद मुझे मिलते हैं जिनका कहना ये होता है कि बिना उसके बदले कितना अदा करने वाला है।
कोई हिसाब नहीं कर सकता। आज रसूल अल्लाह मेहरबानी करें ताकि जब भी कोई मोमिन कुरान मजीद की तिलावत का इरादा करता है, कुरान मजीद की तिलावत का इरादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी रहमत के दरवाजे खोला देता है। एक दरवाजा नहीं बल्कि कई दरवाजे रहमत के अल्लाह क्या करता है, खोल देता है। अब मेरा सवाल आप साथियों से ये है, जहां अल्लाह की रहमत हो वहां कोई रहमत हो सकती है, वहां परेशानी हो सकती है, वहां मुसीबत हो सकती है। अगर परेशानी मुसीबत ये चीजें हो तो फिर रहमत रहमत नहीं कहलाएगी। कहा जब कोई इरादा करता है तमाम रब इज्जत की तिलावत का, अल्लाह रब इज्जत उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। और सलमान अल्लाह रब इज्जत तिलावत करने वाले को हर हाल के बदले जब तिलावत करता है ना लफ्ज के बदले नहीं, देखिए हुरूफ के जरिए अल्फाज बनते हैं, अल्फाज के जरिए जुमला बनते हैं, हर हर्फ के बदले का अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता खाली करता है। हर हर्फ के बदले कितना अल्लाह एक फरिश्ता खाली करता है। वो फरिश्ता इस तिलावत करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस पर फाल करता है। अब मुझे एक बात और सुन रहे हैं, खाल करने वाले का कौन है, रब्बुल इज्जत की। खाल करने की वजह क्या है, तिलावत है कुरान करीम। और हर हर्फ के बदले फर्ज करें एक आयत में मुख्य में 20-30 हर्फ, तो जितनी आयात आप मसलन 50 आयात आपने तिलावत की और 50 आयात में 500 हुरूफ थे तो कितने फरिश्ते खाल हो गए, 500। जब भी फरिश्ते खाल हो गए खाल करने वाला रब इज्जत, खाल करने की वजह कुरान के तिलावत, फरिश्ते मासूम मखलूक हैं या नहीं, मासूम मखलूक हैं। अब खाल होने के बाद इनका काम क्या है, अल्लाह रब इज्जत के लिए क्या नहीं कर रहे, अल्लाह रब इज्जत की बारगाह में रुको नहीं कर रहे, खालिक की बारगाह में सजदा रोज नहीं हो रहे, उनका काम है इस्तिगफार करना। इस्तिगफार किसके लिए कर रहे हैं, जो कुरान की तिलावत जिसने की है, मासूम मखलूक अल्लाह रब इज्जत की बारगाह में हम गुनाहगार बंदों के लिए अगर इस्तिगफार करे ईमानदारी से बताएं अल्लाह रब इज्जत कबूल करेगा या नहीं। खालिक ने खाल किसके लिए किया कि मेरे बंदे के लिए ये मासूम मखलूक जो खता नहीं करती ये इस्तिगफार करे और मैं अपने अपने बंदे की क्या करूं, बख्शिश मगफरत उसको निजात दो गुनाहों से, उन्हें आलूगी उसे। अच्छा ये कब तक इस्तिगफार करते हैं ये फरिश्ते, हक यही है कि जब तक तिलावत होती रहे उस वक्त तक ये इस्तिगफार करते रहे, उसकी रहमत की कोई हद नहीं देती है। कहा ये फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार करेंगे कब तक, जब तक कुरान की तिलावत हो रही नहीं, जब तक ये जिंदा है कहा नहीं, जब ये दुनिया से चला गया कहा नहीं, कहा जब तक रोजे क़यामत, जब तक रोजे क़यामत बरसा नहीं होगा यानी आलम बरज़ख में भी होंगे तब भी ये फरिश्ते क्या कर रहे होंगे, इस्तिगफार जिंदगी में इस्तिगफार करेंगे, दुनिया से जाने के बाद आलम बरज़ख में होंगे इस्तिगफार करेंगे, जब तक रोजे क़यामत बरसा नहीं होगा ये फरिश्ते क्या करेंगे। आज आपने फर्ज करें 50 आयात की तिलावत की, 500 फरिश्ते खालिक हुए, कल दोबारा आपने तिलावत की मजीद 500 खालिक हुए। ईमानदारी से बताएं अगर इंसान तब से होश संभाला है तब से इस अमल को अंजाम दे उसके नामा अमाल से किसी का नामा अमाल खूबसूरत हो सकता है। एक लश्कर होगा असीम लश्कर मासूम मखलूक का जो इस बंदे खुदा के लिए जिसने कुरान को अहमियत दी, जिसने कलाम रब्बुल इज्जत को अहमियत दी, जिसने उसकी तिलावत की,
है, आखिर उसने तो जीता। इस दुनिया में कितना इनाम दे रहा है, उसकी गुलामत की बुनियाद पे फरिश्तों को हल करता जा रहा है, और वो फरिश्ते अच्छा कब इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल फरिश्तों को आपकी गिनी तरह गीत नहीं आती, भूख नहीं आती है, वो क्या करते हैं मुसलसल रब उनका काम ही है, वो मुसलसल क्या करते हैं इबादत, रब इज्जत की इबादत एक फरिश्तों की क्या है, उसके बंदे ने जिसने उसके कलाम की तिलावत की है, उसका एहतराम किया है, उसका पास रखा है, उसके लिए सफा करना। और फिर इतना नहीं, रोजे क़यामत कहेंगे बारे इलाहा तेरी बारगाह में हमारी एक दरखास्त है, पूछा गया क्या दरखास्त है, तो कहेंगे बारे इलाहा हमारी हिलकत का सबब ये, हमारी हिलकत का सबब तेरा ये बंदा है, हमने तेरी इबादत की क्योंकि तेरे हुक्म से की, हमने इस्तग़फ़ार तेरे हुक्म से की तो तेरी इबादत की, लेकिन हमारी हिलकत का सबब कौन है, ये तेरा बंदा, ये हमारी हिलकत का सबब बना है, हमारी भी एक दरखास्त है, हम इस्तग़फ़ार तो करते रहे, आज भी हमारे को है, तू यकीनन इसको बख्श तो देगा, तुमने हमें खल्क इसलिए किया इसके दर्जात को भी बुलंद फरमा। मैं जब भी इस रिवायत को देखता हूं, मैं कहता हूं इस रिवायत को सुनने के बाद समझने के बाद अब भी अगर इंसान कुरान की तरफ मुतवज्जे ना हो, कुरान की तिलावत ना करे, घरों को इस कुरान के नूर से मुअत्तर और मुनव्वर ना करे, फिर उससे बड़ी बदबख्ती नहीं है। कितने साथी मिलते हैं, मैं अदना सब ताले गई हूं कि किबला लगता ही है कि हमारे घर कुछ हो गया, किसी ने कुछ पढ़ दिया, कोई हमसे कुछ निकाला, कुछ काला हो गया। मैं ये नहीं कहता ऐसा कोई नहीं करता, पहले पहले मैं ये कहूंगा ऐसा अगर कोई करता है वो करता है, आप कलाम पाक की घर में तिलावत छोड़ा था बाबू हूं घर में कुरान की तिलावत शुरू कर दे, वो जितना करता रहे उसका अमल जितना मजबूत हो, कलाम पाक की इज्जत से ज्यादा मजबूत नहीं, आपको इस तरीके से आप भी जान दिला सकते हैं। दूसरी बात, कई होंगे जिन्हें फकत महम होगा, वाकई उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, मैंने कहा अगर कोई कर रहा है उसका भी इलाज है, और अगर कोई नहीं कर रहा और जहन में आपके ये आता है तो मुतमईन रहे वो नहीं कर रहा, आपने अपने साथ किया है, क्यों, क्योंकि आपके घर में जिस कलाम से अपने घर को मुनव्वर कर सकते थे, बेहतरीन बना सकते थे, सुकून वाला माशरा और सुकून वाला घर बना सकते थे, आपने उसकी हिम्मत नहीं की। मोमिनीन की निशानियों में से एक निशानी मैंने की है, हर रोज 50 आयात कुरान करीम की तिलावत करेगा, इतनी 50 हर रोज 10 आयात की, चाहे तो नमाज़े फ़ज़र के बाद आप 50 आयात की इफ्तिताह निकाल लें, चाहे तो 25 सुबह भी कर लें, 25 रात को सोने से पहले कर लें, हमारे अपने यकीन जाने अल्लाह इतना करीम है, इतना मेहरबान है, सब हमारे अपने हाथ में है, हमसे कोताहियां होती हैं। मैं आपकी हिम्मत में आज करूं सबरे पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम फाकर फाकी की बातें करते हैं ना कि मुश्किल है, रिस्क में कमी है, आप फरमाते हैं कि जो भी शख्स घर में जब भी दाखिल, अभी आप घर से बहन जाएंगे घर में दाखिल, घर में चाहे कोई हो या ना हो, ऐसा होता है ना बाजू का, आप घर में गए कोई भी काम करने के गए हुए थे, या आप जब तक अकेले रह रहे कहा जो भी घर में दाखिल हो, घर में चाहे कोई हो या ना हो, एक दफा सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद पे सलाम भी करो, जो सूरह तौहीद की तिलावत करेगा
घर दाखिल होगी, सलाम करें, सलवात पढ़े, एक दफा सुबह कहोगी एक दफा पढ़ो अल्लाह, लेकिन जाके एक मिनट का दसवां हिस्सा भी नहीं लगता, दस सेकंड से भी कम बात लगता है, छह सेकंड भी नहीं लगते जो दस मिनट सा कह रहा हूं आप गिर लें उधर से छह के लिए इधर से सुबह कहोगी थी गिला में छोड़ करें पहले आपने एक बार सुबह तौहीद की तिलावत कर ले उस घर में फाको फाका आ नहीं सकता, वो भी कहना बल्कि खुद झूठी हो सकती है रसूल अल्लाह के फरमान को कोई नहीं झूठला से। जब ये चीजें हमें बताई गई हैं हम इंटरनल करते हैं, होता क्या है हम मिंबर से सुनते हैं किताबों में पढ़ते हैं बुजुर्ग मेहरबान बच्चे कोई ना कोई बयान करता है नियत कर लेते हैं कि ये जरूर करेंगे शुरू भी करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक दुश्मन है हमारा न दिखाई देता है शैतान दिखाई देता है मुकड़े बहुत से उन्हें दिखाई देते हैं कि उन्हें शैतान की गानी दिखाई देती है वो अपनी जगह लेकिन शैतान के मर्दूद 24 घंटे हम पे हमला आवर है जब हम सो रहे हैं हमला आवर है जब हम जाग रहे हैं हमला आवर है जब खा पी रहे हैं हमला आवर है हत्ता हम नमाज पढ़ रहे हैं हमला आवर है वो एक लम्हा हमें नहीं छोड़ता हम एक लम्हे के लिए कभी नहीं सोचते कि वो हमला आवर है फिर होता क्या है नियत करके जाएंगे जो आज सुना है मुश्किल तो आएंगे इंशाल्लाह अमल करेंगे और आज शुरू भी करते हैं कुछ बात में छीन देता है कभी घर में इतना जल्दी से जाएंगे कि सब बोलेंगे सलाम करना कोई एक तरफ बस तेजी से कोई बोलेगा कि बस मैं जरूरी काम है भूल गया था कि वो ले गया उस शैतान ने अपना काम कर दिया आज हम सब जो अमल था छीन फिर सुस्ती होना शुरू होगी फिर आज कल फिर कभी याद आएगा फिर शुरू करेंगे मुसलसल जो हम अमल नहीं कर पाते उसमें क्या शैतान अब रसूल अल्लाह फरमाए कि तुम्हें फाकर फाके से तब दसी से बिगड़ जाएंगे ये सब हो जाएंगे कहा जब दस्तरखान पे बैठते हो मेरा मौजू नहीं है तो ये इसमें मजीद कहता कि आप सुबह पे बैठो इस विदा पर के शुरू करो फाकर कभी घर में ये मुश्किल है क्या ये हमारा मुश्किल है अजीज आदिकर पैगंबर फरमाते हैं जिसे भी ज़ाते हक और रोज़े क़यामत पे ईमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है अल्लाह की ज़ात पे भी हम सब का ईमान है खुदा का शुक्र उसका कर और रोज़े क़यामत पे भी ईमान है ऐसा ही है रोज़े आख़िरत पे ईमान है हम सब का ईमान है काश हम इसे याद भी रखें हमारे सारे मुश्किल आसान हो जाए अगर ये याद रखें एक दिन हमें उसे चाहिए कि वो जो अमल सरवर कह रहे कि वो इस अमल को सरवर अंजाम दे या रसूलुल्लाह कौन से अमल को कहा उसे चाहिए पांच गाना नमाज हर नमाज के बाद नमाज फजर के बाद जोर के बाद असर के बाद मगरिब के बाद इशा के बाद हर नमाज के बाद जब आप हालत तशरुब में बैठे होते हैं ना उसी हालत में बगैर हरकत किए चाहे तो तस्बीह पहले पढ़ लें चाहे तो पांव में लेकिन बगैर हरकत किए एक मरतबा ज्यादा एक बार सूरह तौहीद की जो तिलावत करें अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाह उसके वालिदैन के गुनाह उसकी औलाद के गुनाह को माफ फरमा देता है ईमानदार से बताएं जब गुनाह माफ हो जाएंगे हमारे दिल में खाली का हो जाएगी जब नामाया हमारा हर खूबसूरत हो जाएगा और ये सारी चीजें जो मैंने बयान की हैं जब जब आप कुरान मजीद की तिलावत करोगे हर हफ्त के बदले उस वक्त फरिश्ते खल होते रहेंगे यानी उसकी नेमतों का उसकी रहमत का आपका और मेरा ताकत नहीं है हम
धर्म की साफ कर सके। यानी जो चीजें कही है फकर से निजात भी मिल जाएगी। इधर अगर हर नमाज के बाद पढ़े अपनी तवज्जो को इधर उधर किए उसी हालत में तशहुद में बैठे हुए अगर एक दफा तिलावत करें अपने गुना वालदैन के गुना और औलाद के गुना वाकई इससे बेहतर माफी का दरवाजा कैसा खुला होगा। और एक दिन तो किसान मैंने कहा वो जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है हालात के बदले हमेशा भी हाल को जाएगा। ये वो 50 आयात से हटकर है जो आपको मुझे हर दिन पढ़नी। तो जब हमारा घर में देखिए बच्चे हैं ना बच्चे आपको मुझे देख के हालत प्राप्त देते हैं आप बचपन से अपने बचपन से आप और मैं भी देखते आए हैं। अगर घर में बच्चा देखते ना बड़े पूजा नमाज लेते हुए भाग के उससे पहले ले आता है अपने लिए वो सकता जैसा भी करे उसका अंदाज सही हो या नहीं हो लेकिन वो आप से पहले सोचने में चला जाता है फिर यूं करके आपको देखता रहता है कि तमाम का वो भी उठ के बैठ जाता है फिर सत्य में जाकर वो देखता है चला जाता है। तो मैं हर एक को कहता हूँ जो भी मुझे कहते ना कि अल्लाह दुआ करे बच्चा ऐसा हो जाए मैं कहता हूँ आसान फार्मूला बताओ कहते हैं हाँ कि अल्लाह जरूर करे मैं कहा आप ऐसे हो जाए क्योंकि उसके लिए नमूना अमल आप है अल्लाह ने आपकी मोहब्बत आपके बच्चे के दिल में इतना रखी है कायनात में सबसे पहले ही वो उसके आप है। फर्क करें मेरे साथी कहते हैं जो मेरे हम उम्र है वो ये कहेंगे कि बड़ा आप तो पोते हैं बच्चे तो बड़े हो गए पोता पोती नवासा नवासी भी तो आपकी नस्ल है उनके लिए चले बच्चे के लिए नहीं कर पाए उनके लिए जो होगा यहां से बुलाए फकर वो खुद को खुद मुसल कर आ रहे हैं जब भी वो देखे मैं नमाज का बात हुआ आपसे पहले दौड़ के आगे देख रहा था ताजा नमाज। इसी तरह अगर धर्म में हमें वो कुरान पढ़ते हुए देखे तो उनके दिल में शौक होगा गलती हमसे होती है अल्लाह ने निजाम बेहतरीन रखा हमारी मोहब्बत हमारी नस्लों में रखी है हमें उनका हीरो करार दिया है हम जो करते हैं वो उसको अंजाम देना पसंद करते हैं। बच्चे आप क्रिकेट देखना बैठे हैं बच्चे भी क्रिकेट देखना बैठे आप क्रिकेट देखने को नापसंद करते हो बच्चे भी कहते हैं कोई फायदा नहीं है। हंसी जाने का नहीं कुरान 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 मुकम्मल लगता है यार जो है ये दस्तूर है कुरान मजीद की तिलावत शुरू करें ऐसा ऐसा तर्जुमे के साथ शुरू करें एक दो बार तर्जुमा जब तमाम हो जाए कोई मुख्तसर सी तफसीर देखना शुरू करें चाहे हर रोज तफसीर आप 50 आयात की नहीं देखें काम की देखें लेकिन तर्जुमा कोशिश करें 50 आयात का हो ताकि आपको मुझे मालूम तो हो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क्या कलाम कर रहा है हमें क्या फरमा रहा है। अगर ये हिदायत की किताब है जब तक समझ नहीं आएगी तो हिदायत कैसे होगी। अगर ये शफा ही शफा है उसमें भी दो बल्ले पहले तो ये समझे नुस्खा क्या है डॉक्टर ने नुस्खा लिखा क्या है अगर ये मालूम नहीं हो तो भैया कैसे होगा लेंगे कैसे मालूम होना चाहिए कि नुस्खा ये वो तर्जुमा करेंगे तफसीर को थोड़ा पढ़ेंगे मालूम हो जाएगा नुस्खा ये उसके बाद जब तक ये नुस्खा बन के अगले तौर पर मैदान में नहीं आ पाएंगे इसको नुस्खे को बना के खाएंगे नहीं उसको रहता शिफा सीखने के बाद समझने के बाद अगर इस पर अमल ना हुआ तो न ये हिदायत है न ये शिफा है न ये निजात है। ये सारी चीजें आपकी मेरी जिम्मेदारी दुआ करें हमारी जिंदगी में कुरान आए बेहतर आपकी हिम्मत में इतना बचाऊंगा वो फसल से मसाइल पर दीदी की मसाइल के लिए नजदीक है आपको मालूम है बीबी ने जब वसीयत की है और आपको एक वसीयत बीबी ने ये की है अली जब मुझे दफन कर दो ये गरीब बैठना और ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करना ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करना। बीबी को इतना मोहब्बत है कुरान से अहले को मोहब्बत है कुरान से कलाम रब्बुल इज्जत से जो हमें कह रहे हैं कि ये सब होगा तो उनके पढ़ने से की तरफ रशीद खान होते होंगे लेकिन वाकई जितना
मसाइब इन हस्ती को उठाए गए। मैं कहता हूं फकत यही मुसीबत काम नहीं थी जो आपके दरवाजे में था, ऐ अली फातिमा से कहो ये दिल पे रोए कर लीजिएगा, ये भी काम नहीं थी मुसीबत। इतना किया वो बीवी जो हमने कभी दुआ नहीं करती थी नमाज़े शाम पे, मौला सुनते थे माँ आप अपने लिए दुआ नहीं करते, कहते थे कि मेरे अल्लाह पसंद है उसके बंदों को करता रखो, वो बीवी आखिरी दिनों में अपने लिए दुआ कर रही है, मालूम है दुआ क्या कर रही है, हाथ फैला के कह रही है इलाही अच्छे वफाती बारे क्या हुई इस दुनिया से उठा बच्चे के सामने नमाज शाम में मौला हसन हुसैन ने सुना तड़प शुरू कर दिया, माँ तसल्ली करने लगी कहा माँ कैसी तसल्ली, आज तक आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था आज मांगा है अपने लिए, माँ आपकी जुदाई हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, शुरू में जवाब क्या दिया बीबी ने कहा तुम्हारे पापा की मजबूरियां देखी नहीं जाते सारे करार दे दुआओं की कबूलियों के लिए बाबा से बुलंद सलवा
Lord. Amen. Amen.